फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन आइडिया सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 32 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फुल कटिंग शेयर करूंगी। तो बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुझे तैयार ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है 12.5 इंच, ठीक है। तो मैं इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करूँगी। तो मैं टोटल लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे 13.5 इंच। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टोटल लेंथ 13.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और अब हम यहाँ पे 32 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 5 इंच, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर लेंगे आर्मोल का नाप। तो आर्मोल लेंगे 5.25 इंच। तो यहाँ पे 5.25 इंच आर्मोल लिए हैं। तो फिर हम यहाँ पे लेंगे चेस्ट का नाप। तो देखिए, यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं, ठीक है। तो चेस्ट का चौथा भाग कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये इंच टेप है और इसमें हम यहाँ पे 32 पे चौथा भाग निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका चौथा भाग कैसे निकालते हैं। इस इंच टेप को हम दो बार फोल्ड करेंगे। तो ये एक बार फोल्ड किया, फिर इसको दूसरी बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसका चौथा भाग निकालेंगे। तो देखिए, ये आ गया हमारा 8 इंच। तो अब हम इसका यहाँ पे चौथा भाग लेंगे। तो आप इस तरीके से किसी भी चेस्ट साइज़ का चौथा भाग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लेंगे 8 इंच, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे आगे लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो मार्जिन चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और फिर हम नीचे लेंगे कमर का नाप। तो कमर है 26 इंच। तो 26 का भी चौथा भाग निकालेंगे, जैसे हमने चेस्ट का निकाला था ना, ठीक उसी तरीके से। तो 26 का चौथा भाग होगा 6.5 इंच। और 1.5 इंच हम और लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और 1 इंच हम और लेंगे क्योंकि बैक पार्ट्स में हमारी प्लेट्स आती है दोनों तरफ, तो इसीलिए 1 इंच हम और लेंगे एक्स्ट्रा। और अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमने नाप ले लिया है। अब हम यहाँ पे आर्मोल की तरफ गुलाई देंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1/2 इंच लेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। और फिर इसको इससे मिला देंगे। और फिर हम यहाँ पे 1 इंच की गुलाई देंगे बाहर वाली लाइन से। हमें 1 इंच की गुलाई देनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नाप लेंगे। तो देखिए, ये हमारे आर्मोल का नाप आ गया। तो अब हम यहाँ पे नेक की विड्थ का नाप लेंगे, गले की चौड़ाई का। तो देखिए, यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई 2 इंच रख रही हूँ, ठीक है। और पीछे हम लेंगे नेक की लेंथ। तो यहाँ पे मैं 10 इंच ले रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा डीप नेक बनेगा तो इसीलिए इसकी लेंथ 10 इंच रखी है। और यहाँ से इसकी विड्थ लेंगे 3 इंच, ठीक है। और फिर इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 1/2 इंच की गोलाई देंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमने बैक पार्ट का मेज़रमेंट ले लिया है। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो देखिए, यहाँ तक अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, तो मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, 32 चेस्ट साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पेपर लिया है सिंगल, और अब हम इस पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए। तो देखिए, यहाँ पर फोल्डेड साइड है और उधर ओपन साइड है। आप चाहे तो ओपन साइड से भी कट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में आगे की तरफ अगर हुक आई रखते हो तो आप इसे फ्रंट पार्ट की तरफ भी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो बैक पार्ट की तरफ भी कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट की तरफ कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से मैं ओपन साइड से कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो इधर ओपन साइड है और इधर फोल्डेड साइड है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच ले लेते हैं हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा,
क्योंकि मैं फ्रंट पार्ट की तरफ हाई हुक की पट्टी रखूँगी, ठीक है। अगर आप बैक पार्ट में रखें तो आपको सबसे पहले बैक पार्ट में हाई हुक की पट्टी का हाफ इंच लेना है, उसके बाद में आपको मेज़रमेंट लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने हाफ इंच हाई हुक की पट्टी के लिए ले ली है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम नीचे से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए हम सबसे पहले हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जबकि बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसके अंदर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में सबसे पहले हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि बैक पार्ट्स को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, और इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। और अब हम क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ इंच, और नीचे से लेंगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा, और इन दोनों को मिला देंगे। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो देखिए कैसे देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टक्स पॉइंट का नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। और फिर नीचे से हम यहाँ पे 3 इंच पे विड्थ में 3 इंच लेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ से 3.25 इंच लेंगे इस तरीके से। इन दोनों को मिला देंगे और इसे हम आर्मोल की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पे विड्थ में लेंगे 1.5 इंच, और लेंथ में भी 1.5 इंच लेंगे इस तरीके से। हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो देखिए, ये हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिए। और हाफ इंच हम यहाँ पे ऊपर की तरफ डाउन करेंगे इस तरीके से, तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे हाफ इंच के। हम इसकी कटिंग करते हैं। तो अब हम यहाँ पे गले का भी नाप लेंगे। तो देखिए, पहले हम विड्थ में लेंगे 2 इंच और लेंथ में लेंगे 6 इंच, नेक की लेंथ लेंगे 6 इंच, और यहाँ से विड्थ लेंगे 2.5 इंच। इसका बॉक्स बना लेंगे, यहाँ से हाफ इंच की गुलाई दे देंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले हम यहाँ पे आर्मोल का नाप लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आर्मोल का नाप लेंगे। तो इसके लिए इंच टेप की सहायता से मैं यहाँ पे आर्मोल का नाप ले रही हूँ कि कितना आ रहा है आर्मोल। तो ये 8 इंच आ रहा है। देखिए, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। तो ये टोटल 8 इंच आ रहा है हमारा। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक ही स्लीव्स की कटिंग करके आपको बता रही हूँ, ठीक है, पेपर पर। तो अगर आप 2 स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो आपको इस तरीके से डबल पेपर लेना है, ठीक है, और इस तरीके से उसे बीच में से फोल्ड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसकी लेंथ लेंगे कि कितनी हमें तैयार रखनी है। तो देखिए, यहाँ से मैं इसकी लेंथ रखूँगी। देखिए, मैं 8 इंच के स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप कितनी लेंथ रखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसकी लेंथ 8 इंच रख ली। अब हम यहाँ पे आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल आया था हमारा 8 इंच, तो 8 इंच पे भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और अब इसका एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमने बॉक्स बना लिया है, ठीक है। तो अब हम इस स्लीव्स को डाउन करेंगे, ठीक है। क्योंकि छोटी स्लीव्स बनाते हैं तब हम इसको 2.5 इंच पर डाउन करते हैं, और ये थोड़ी बड़ी स्लीव्स है तो इसको हम 3 इंच पर डाउन करेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच पर इसको डाउन करके तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हल्का हल्का हम राउंड शेप देंगे इस तरीके से।
देखिए स्लीव्स का राउंड शेप देंगे और यहाँ से अब हम मोरी का नाप लेंगे। तो जो मोरी है वो है 4.5 इंच, ठीक है, और 1.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हैं, सिलाई वाले मार्जिन के लिए। तो टोटल हो गए 1 इंच और अब इसको इससे मिला देंगे। तो देखिए ये हमारी स्लीव्स का शेप आ चुका है, तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स का शेप दे दिए, तो अब इसको ओपन कर लेंगे और इसकी कटिंग कर ली है हमने। तो इसे ओपन कर लिया है, अब हम यहाँ पे आर्मोल की तरफ गोलाई देंगे। आर्मोल की तरफ गोलाई किसे देते हैं, देखिए ये स्लीव्स का सेंटर है और यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, आगे की तरफ, और पीछे की तरफ हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, पीछे की तरफ 2 इंच लेंगे और बीच में से हम 1/2 इंच लेंगे। देखिए बीच में से 1/2 इंच ले रही हूँ मैं, और अब इन तीनों को मिला देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने 1/2 इंच की गोलाई दे दी है, तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। देखिए ये 1/2 इंच की कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है कि हमारे आर्मोल के अंदर झोल बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि जब 1/2 इंच की हम कटिंग कर लेते हैं ना इसलिए। तो ये हमने 1/2 इंच की कटिंग कर ली फ्रेंड्स, ये हमने 1/2 इंच की कटिंग कर ली है और एकदम परफेक्ट शेप आई है स्लीव्स की। तो देखिए यहाँ तक अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत ही इजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।